गाइस मुझे यहाँ पर मम्मी जी की और पतिदेव जी की और अपने दोनों बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। एक्चुअली अभी क्या हुआ कि आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा था ना, ये उसी के आगे का व्लॉग है। मैंने आपके साथ कल नहीं शेयर किया क्योंकि कल व्लॉग लेंथी हो रहा था, सो उसका दूसरा पार्ट मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और कल आप लोगों ने देखा था मैं गट्टे की सब्ज़ी बना रही थी किचन में और सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बस मुझे आप लोग के साथ उसका फाइनल लुक शेयर करना था। बट कुकिंग करते करते मैं वहाँ पे चावल बीन रही थी, मतलब चावल चढ़ाने की तैयारी कर रही थी और मुझे अचानक से मतलब एकदम से हवा का एहसास हुआ और बहुत तेज़ हवा चलने लगी। मैं भाग के बाहर आई और मैंने देखा यहाँ पर इतनी आंधी और मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा ये कैसे हुआ, खिड़कियाँ भाड़ खुलने लगी, मतलब खिड़कियों की खुलने की ना बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी क्योंकि हम लोग हमेशा खिड़की दरवाजे सारे खोल के रखते हैं, ठीक है। और खिड़कियाँ एकदम से बजने लगी और मैं घर पर अकेली थी, कोई भी नहीं है घर पर इस टाइम पे। ये देखिए मैं आप लोग को बाहर का भी सब कुछ दिखा रही हूँ और मैं इतनी घबराई हुई, मेरे चेहरे से आप लोग को घबराहट पता चल रही होगी। मतलब ऐसा मौसम हो गया कि इतनी धूल दिख रही, इतनी धूल, और सबके सब अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हुए हैं। और कहाँ गए मैं आप लोग को बताती हूँ, एक्चुअली अभी बताऊंगी थोड़ी देर से आप लोग को, खुद मैं बैठ के आराम से बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है गाइस। पूरा माहौल ही चेंज हो गया, एक्चुअली फ़ोन में इतना नहीं पता चल रहा है कि कितनी तेज़ की आंधी है, लेकिन बहुत तेज़ की आंधी थी गाइस, बहुत तेज़ की। और सब लोग घर से बाहर गए, आप लोग समझ सकते हो ना, जब बहुत तेज़ की बारिश हो और या फिर मौसम ख़राब हो तो आप घर पर अकेले हो, कोई ना हो, तो आपको डर लगता ही है, डर अपने आप से अपने अंदर आता है। और फिर फैमिली के सभी लोग साथ ना हो, सब बाहर हो, और मुझे ये बस यही चिंता लग रही है कि सब लोग बाहर हैं तो मतलब कहाँ रुके होंगे, क्या हुआ होगा, बहुत घबराहट हो रही है, तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। सो गाइस इसी के मारे कि मैं आप लोग के साथ कल जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो मैं शेयर नहीं कर पाई। और अभी मैं देखो मेरे चेहरे से भी आप लोग को पता चल रहा होगा ना, मैं मतलब हंसी उड़ गई मेरे चेहरे की, जो मैं हमेशा हंसकर एक वैसे हमेशा वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन ये वीडियो जब मैं शूट कर रही थी मेरे चेहरे की हंसी उड़ चुकी थी गाइस। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि घर पर कोई नहीं था और मैं अकेली थी। मैं इसलिए परेशान नहीं थी क्योंकि सब बाहर थे और मौसम बहुत बिगड़ चुका था, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ऊपर से मैं आपको बताती हूँ कि मेरी परेशानी की वजह एक और है, सब लोग कहाँ गए हैं वो भी बताती हूँ। केशव की तबीयत नहीं ठीक है और उसको लेकर मम्मी और नंदिता मानती नहीं है, पापा के पीछे लगी रहती है, तो वो भी और पतिदेव जी सब लोग, चारों लोग ये लोग गए हुए हैं क्लिनिक केशव को दवाई दिलाने के लिए, ठीक है। और फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगी, बस उसकी तबीयत नहीं ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले से ही परेशान हूँ और यहाँ पर मौसम भी ऐसा बिगड़ गया है, बस अब भी उन लोग निकले हैं, मैं क्या बताऊँ। आप लोग समझ सकते हो मेरी परेशानी को, मेरी घबराहट को समझने की कोशिश करो। बाकी मैं आप लोग से बातें अभी बैठ के आराम से बताती हूँ। अरे मैंने खिड़की बंद करी थी ताकि धूल अंदर ना जाए, वैसे तो ऑल टाइम खिड़की दरवाजे सब खुले करके ही रखते हैं क्योंकि मम्मी को बंद बंद होता है तो मम्मी को घुटनसी होती है, तो बहुत से लोग को घुटनसी सब फील होता है। यही बैठ जाती हूँ बाहर ही, कपड़े भी यही रखे, पता है ये कपड़े भी गीले हैं सुबह से, ये कपड़े गीले रखे हुए हैं सुबह से, पता है धूप तो थी नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही थी और मतलब वैसा हो रहा था, मतलब धूप छाँव होती ना वैसा था, तो वो भी रही थी और नहीं भी हो रही थी और चली जा रही थी इस टाइप से, फ़ोन भी मेरा ऐसे से हो रहा था, इस फोन से करूँ मम्मी लोग की चिंता लग रही मुझे। मैं दिख जाए किचन में, मतलब मैं किचन में भी कुकिंग कर रही थी और आप लोग से बात करके कुकिंग कर रही थी, फिर जब मैंने आप लोग से बात कर रही थी तो मैंने उसके बाद फिर दिखाया था सब्ज़ी हो गई थी, मैं रखा मैं चावल आवल भिज रही थी आराम से, और फिर मम्मी लोग चले गए सब लोग बाहर, मम्मी बच्चे दोनों बच्चे और पति देव जी,
फिर तीनों चारों चले गए और बची गए घर पे। तो मैं कुकिंग करके इसलिए मैं गई भी नहीं, तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी। मम्मी लोग बोलते रहे थे चल रहे कि नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाओ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से खाना बन जाए। ठीक है हाँ, और मम्मी लोग कहाँ गए वो बताती हूँ मैं आपको। बैठ जाओ, तो मतलब अजीब सा लग रहा है ना कि मम्मी भी गई, मतलब कुछ चिंता सी हो रही है। तो मम्मी और पति देव जी बच्चे लोग गए। एक्चुअली केशव की तबीयत ठीक नहीं है, और कल से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि केशव की तबीयत नहीं ठीक है कल से, और उसको लेके गए हुए हैं क्लिनिक, डॉक्टर के पास क्लिनिक गए हुए हैं, और उसको लेके क्लिनिक गए दवाई दिलाने। हवा बहुत चल रही है, तो क्लिनिक गए हुए हैं अब सभी लोग। तो मुझे टेंशन सी हो रही है, मतलब इतनी आंधी हो रही है, और यहाँ पे जिस एरिया में हम लोग हैं वहाँ पे मतलब इतनी धूल नहीं है, पेड़ वगैरह ज़्यादा है, धूल यहाँ नहीं दिख रही है। बाकी उधर साइड में प्लान बनाया था आठ हो गया, तो ये वहाँ से दवाई दिला देते हैं, मेडिसिन दिला देते हैं, उसके बाद जाएंगे। लेकिन दवाई लेके आ रहा है, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो सो गाइस, चलो अब मैं इस ब्लॉग का आंधी बहुत आऊँगी, फिर कैसे क्या होगी। सो गाइस, अब मैं इस ब्लॉग का ही ऐड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक छाप देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना आपको रेसिपी कैसी लगी सब्ज़ी। बाकी अब सब्ज़ी को सोचा था मैंने दिखाऊंगी लेकिन अच्छे से, लेकिन अब तो मुझे लगता है ब्लॉग भी लेंदी हो गया तो नहीं दिखा पाऊँगी। चलो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बहुत आंधी आ रही है, बहुत अंधेरी हो गया पूरा, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, ठीक है, बहुत मैं कैसे दिखाऊँगी। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।